हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं साइकिल के लिए एक सिक्योरिटी अलार्म, जिसे आप अपनी रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसे खोल कर दिखाएंगे और इसकी टेस्ट कर भी दिखाएंगे कि ये सिक्योरिटी अलार्म कितना हद तक आपके साइकिल को सिक्योर कर पाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार की साइकिल से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये सिक्योरिटी अलार्म मुझे कुछ इस टाइप की एक बॉक्स के अंदर मिली थी। बॉक्स आप देख सकते हैं कैसा आपको दिख रहा होगा। चलिए इसे हम आपको खोल कर दिखाते हैं। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे कुछ आपको इस टाइप का एक सेंसर दिखेगा, जिसके अंदर आपको बैटरी भी लगाना होता है। इसे अभी हम रखते हैं साइड में। और क्या क्या चीज़ आपको मिलता है इसके साथ? आपको एक रिमोट भी मिलता है जो कि वायरलेस रिमोट है। और इस ये वाली जो सेंसर है, इस सेंसर को टाइट करने के लिए आपको दो स्क्रूज़ भी मिलते हैं, यानी दो नट और बोल्ट भी इसके साथ दिया जाता है। और इस सेंसर में बात की जाए तो आप नीचे की साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्लॉट दिया गया है। इस स्लॉट को आपको ऊपर के डायरेक्शन में करना होता है। तो इसके अंदर आपको बैटरी का एक कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको बैटरी नहीं मिलती है, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं ये वाली जो रिमोट है, इस वाली रिमोट के अंदर भी आपको एक इनबिल्ट बैटरी मिलेगी। जब ये मुझे मिली थी तब इसकी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने इसे खोला और इसकी जो डिस्चार्ज बैटरी थी उसे रिप्लेस की। उसके बाद मैंने इसमें एक न्यू बैटरी इंस्टॉल किया, तब ये जाकर काम करने लगा। लेकिन मेरी खुद की एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पूरी बैटरी एक दिन के अंदर में ख़त्म हो गई थी रिमोट की बैटरी। तो इस बार मैंने खुद से जब वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे खोला तो देखा कि पूरा बैटरी इसका डिस्चार्ज हो चुका है। तो मैंने फिर से एक बैटरी न्यू परचेज किया है, यानी एक बैटरी एक से दो दिन के अंदर में पूरी ख़त्म हो जाती है ये वाली रिमोट की बैटरी। और ये वाली जो कंपार्टमेंट दी गई है इसके अंदर आपको 9 वोल्ट की इस टाइप की एक बैटरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली एक कैप दिया जाता है, यानी कि एक होल्डर दिया जाता है। बस आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगाना है और इसके अंदर यूं ही स्लाइड कर देना है। तो इसे हम अभी डालकर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा ये अंदर चला जाएगा। बाकी एक आप एक्स्ट्रा वायर को कुछ इस तरीके से मोड़ दीजिए। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से फिट हो गया है। उसके बाद हम अपनी रिमोट की बैटरी को भी चेंज कर लेते हैं। तो इस रिमोट में कुछ इस टाइप का आपको एक छोटा सा बैटरी लगाना होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा बैटरी है। तो इस बैटरी को लगाने के लिए आपको सबसे पहले, हो सकता है कि जब आपको भी ये वाली सिक्योरिटी अलार्म मिले तो उसकी भी बैटरी पूरी तरीके से डेड रहे, तो आपको कुछ इस तरीके से इसकी बैटरी को रिप्लेस करना होता है। यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं दो स्क्रूज दिए गए हैं। ये वाली स्क्रू को हम यहाँ पर से खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। जैसे ही आप इसे खोलेंगे, खोलने के टाइम ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि एक ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। तो ये वाली बैटरी को हम यहाँ पर से रिमूव कर देते हैं और न्यू वाली बैटरी को इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो बस न्यू वाली बैटरी को आपको कुछ इस तरीके से रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर ले दबाकर, ये देखिए बिल्कुल काम कर रहा है। तो इसे हम वापस से लगा देते हैं जैसे हमने इसे खोला था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब हमारी बैटरी है वो रिमोट के अंदर पूरी तरीके से लग चुकी है। तब ये वर्क कैसे करती है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रिमोट में एक लॉक बटन है, एक अनलॉक बटन है। जैसे ही हम लॉक बटन को दबाते हैं आपको एक बीप सुनाई देता होगा, और जैसे ही हम अनलॉक बटन को दबाते हैं आपको दो बीप सुनाई देता होगा। तो जब आप इसे अपनी साइकिल में इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप लॉक बटन को दबाएंगे, ये पूरी तरीके से लॉक हो जाएगी। और
और थोड़ा भी इसमें अगर वाइब्रेशन होगा या फिर झटका मिलेगा तो ये बजने लगेगी, और आपको जब इसे बंद करना होगा तो आप इसे अनलॉक वाली बटन को दबाएंगे तो ये वापस से बंद हो जाएगी। तो फिर से हम आपको कर दिखाते हैं, इसे हम लॉक करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें झटका देते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा शोर हो रहा है। इसे बंद करने के लिए आपको आप देख सकते हैं उसके थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद भी अगर हम झटका देंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो दूसरी बार तो ये और भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ के साथ बजने लगती है, तो अभी हम फिलहाल इसे कर देते हैं अनलॉक, उसके बाद हम आपको इसे साइकिल में भी इंस्टॉल कर दिखाते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल सा अपने सीट पोस्ट को निकालना होगा और इसे आप अपने सीट पोस्ट के अंदर डाल दें, उसके बाद आपको इसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है और ये टाइट हो जाएगा। तो अभी हम आपको इससे टेस्ट भी कर दिखाएंगे, और जो पूरी टेस्ट थी हमने आपको वीडियो में भी बता दी। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर आपको लॉक बटन दबा कर दिखाते हैं, और इसे हम अभी थोड़ा सा टच करेंगे या फिर इसको थोड़ा सा वाइब्रेट देंगे, फिर देखिए आप इसमें क्या होता है। रिमोट की रेंज करीब आपको 10 से 15 मीटर की मिल जाती है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।